सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, हर न्यूज सबसे पहले पाओ। सुशांत सिंह राजपूत की असमय मौत को उनके फैंस अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उनके फैंस उनके इस दुखदायी तरीके से जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें भूलने को तैयार नहीं है। उनके फैंस का मानना है कि वे आत्महत्या कर ही नहीं सकते। एक पुलिस अधिकारी के हवाले से एक मीडिया हाउस ने खबर प्रसारित की है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की दो बीमारियों का इलाज करा रहे थे। लॉकडाउन से एक सप्ताह पहले तक वे हिंदुजा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए भर्ती भी हुए थे। बांद्रा पुलिस उनकी मौत के मामले की 14 जून के बाद से ही लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने इस संबंध में अब तक करीब 3 दर्जन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की लाश 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट से पाई गई थी, लेकिन कई बॉलीवुड कलाकार और सुशांत के फैंस उनकी आत्महत्या में साजिश का लगातार संदेशा लगा रहे हैं। NBT ने इस संबंध में एक खबर छापी है। खबर के अनुसार पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इस केस में अभी तक किसी के द्वारा किसी भी तरह की पेशेवर साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। यह केस सुसाइड का है। सुशांत ने सुसाइड क्यों की, हम इस निष्कर्ष पर भी लगभग पहुंच गए हैं। इस अधिकारी ने दावा किया है कि सुशांत डिप्रेशन की खतरनाक बीमारियों पैरानोया और बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। जांच में यह भी सामने आई है कि उनकी मां भी डिप्रेशन से पीड़ित थी। जब सुशांत मात्र 16 साल के थे तभी उनकी मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बॉलीवुड में व्यस्तताओं के बावजूद सुशांत अकेलापन महसूस करते थे, यह बात गवाहों से पूछने में सामने आई है। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।